कोई 40 साल पहले की बात है, जब भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश किया। 19 अप्रैल 1975 वो दिन जब भारत ने अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया। 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, ये भारत के लिए बड़े गौरव का क्षण था, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत आधुनिक हो चला है। लेकिन इस उपग्रह को 1500 साल से भी पुराना नाम दिया गया, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम पश्चिमी जगत में वैसे मशहूर नहीं था जैसे यूक्लिड और टॉलमी का, लेकिन भारत में आर्यभट्ट एक उपग्रह मात्र नहीं था, वो दरअसल वैज्ञानिक प्रेरणा का दूसरा नाम था। वो आर्यभट्ट जिसने 5वीं सदी में गणितीय और खगोलीय ज्ञान को पहली बार चरणबद्ध तरीके से एक जगह एकत्रित किया, वो भी केवल 23 साल की उम्र में। उनके विचारों का अरबी में अनुवाद किया गया, जिन्होंने इस्लामी खगोल विज्ञानियों और गणितज्ञों को खासा प्रभावित किया। हालांकि पश्चिमी जगत के समकालीन गणितज्ञों से आर्यभट्ट का कोई संपर्क नहीं था, यही वजह थी कि आर्यभट्ट के विचार वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक खोजों में सीधे तौर पर योगदान नहीं दे पाए, और धीरे धीरे भारतीय जनमानस ने भी उन्हें भुला दिया। लेकिन जब आधुनिक भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपने नन्हे कदम बढ़ाने शुरू किए, तब आर्यभट्ट के नाम को दोबारा प्रतिष्ठा हासिल हुई, और पश्चिमी तकनीक में प्रशिक्षित भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी जड़ों को टटोलना शुरू किया। आर्यभट्ट प्रोफेसर यूआर राव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक अग्रणी वैज्ञानिक हैं, जिनकी देखरेख में भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके नाम ने हमें अपने अतीत का स्मरण कराया और रुचि भी जगाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारे इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया था। आर्यभट्ट की संपूर्ण प्रतिष्ठा उनकी एक रचना पर टिकी है, जिसका नाम है आर्यभट्टीय। संस्कृत में रची गई ये कृति आर्यभट्ट की एकमात्र रचना है जिसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध है। इसकी भाषा वैज्ञानिक पहेली नुमा है। उदाहरण के तौर पर कॉपरनिकस और गैलीलियो से 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने ये तर्क दिया कि पृथ्वी एक गोले की तरह है जो अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट के पास हमारा आधुनिक हेलियोसेंट्रिक मॉडल तो नहीं था जिसने ये विचार आगे बढ़ाया कि पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाती है, लेकिन आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये विचार अपने आप में काफी क्रांतिकारी विचार था, जिसने उन वैज्ञानिकों को झकझोर कर रख दिया जो खगोल शास्त्र के पश्चिमी विद्वानों की तरह पृथ्वी को चपटा और आसमान को घूमता हुआ मानते थे। लेकिन आर्यभट्ट के सिद्धांत को वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान से जोड़ना आसान नहीं था, इसलिए आर्यभट्टीय के बाद के संस्करणों को उन्होंने बदल दिया और इसे त्रुटि सुधार का नाम दिया, क्योंकि वो इसे आर्यभट्ट की भूल मानते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आर्यभट्टीय से उसके लेखक के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। हालांकि आर्यभट्ट ने बताया है कि उनका जन्म कब हुआ, लेकिन इसे भी उन्होंने गणितीय पहेली की शक्ल में लिखा है, जिसे हल करने पर जवाब मिलता है 476 ईस्वी। न्यूयॉर्क के यूनियन कॉलेज में पढ़ाने वाली प्रोफेसर किम फ्लोफकर आर्यभट्ट और आर्यभट्टीय के बारे में काफी कुछ जानती है। There's a lot in the Aryabhatiya which is, you know, fun and ingenious. आर्यभट्टीय में ऐसा बहुत कुछ है जो मजेदार है, बहुत शानदार है। आर्यभट्ट भारत के उन शुरुआती वैज्ञानिकों में से एक थे जिनके साथ काम करना मुझे लगता है बड़ा मजेदार रहा होगा, खास तौर पर तब जब आपके भीतर छात्र मौजूद हो जो उन्हें समझ सके, क्योंकि वे बहुत ही रचनात्मक, निर्भीक और मौलिक दिमाग वाले व्यक्ति थे। लेकिन जहाँ तक संस्कृत खगोल विज्ञान और गणित की बात है, वे इस परंपरा की शुरुआत करने वाले नहीं थे। वे जिस तरह की गणनाएं कर रहे थे वो तो सदियों पहले हो चुकी थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस परंपरा में आर्यभट्ट ने अपना अहम योगदान दिया है। जहाँ तक आर्यभट्ट उपग्रह का सवाल है, ये बताना जरूरी है कि इसमें रूसी वैज्ञानिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वैसे आर्यभट्टीय में भी आर्यभट्ट कहीं ये दावा नहीं करते कि
कि उनके विचार नितांत मौलिक विचार हैं। आर्यभट्ट एक लेखक के तौर पर अपनी भूमिका को बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं। ब्रह्मा की कृपा से मैंने सच्चे ज्ञान के डूबते मोती को बचाया। इसमें मेरी बुद्धि ने नाव की भूमिका निभाई, जो समुद्र में तैर रही थी, जिसमें सच्चा और झूठा दोनों तरह का ज्ञान समाया है। आर्यभट्ट ने अपने इसी ज्ञान के बूते गणित की कई जटिल समस्याओं को आसान बना दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात यानी कि पाई की लगभग लगभग सही गणना की। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हुए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक आधार पर समझाया और भारतीय ज्योतिष विज्ञान को एक तरह से आधार प्रदान किया। ग्रहों की दशा दिशा का अनुमान लगाने के लिए आर्यभट्ट ने जिन तकनीक का इस्तेमाल किया, उन्ही तकनीकों का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों का सही समय जानने के लिए किया गया। ज्योतिष का यही ज्ञान भारत में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। बात फिर चाहे काम धंधा शुरू करने की हो या शादी ब्याह की। द कमिंग ईयर इज वेरी गुड ईयर एंड दिस ईयर 2015 इज आल्सो गुड ईयर बट आफ्टर मे यू गेट ए लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इन दिस ईयर। दिल्ली के ज्योतिषी सुबोध भारद्वाज कहते हैं, इन इंडिया एस्ट्रोलॉजी इज ए मेन सब्जेक्ट बिकॉज वी बिलीव। भारत में ज्योतिष एक प्रमुख विषय है क्योंकि हम इसे अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान मानते हैं। इसके दो हिस्से हैं, पहला गणित और दूसरा भविष्यवाणी। अच्छे ग्रहों का अच्छा असर होता है और बुरे ग्रह हमेशा बुरा या नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। प्राचीन यूनान के दार्शनिक अरस्तु का भी विचार था कि ग्रह पृथ्वी पर होने वाली हलचल को थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर करते हैं। ज्योतिष विज्ञान के मामले में टॉलमी ने भी अपनी राय रखी है और बहुत मुमकिन है कि भारतीय विचारों का उन पर भी असर पड़ा हो। गणित को उन्होंने बेहद व्यावहारिक रूप में सामाजिक तौर पर उपयोगी बताया। वैसे पश्चिमी परंपराओं में गणित ज्ञान रूपी पिरामिड के शिखर पर विराजमान है, लेकिन भारत में संभवतः ऐसा नहीं है जहां गणितीय तार्किकता को ज्ञान का महज एक प्रकार माना गया, जिसे भाषा और व्याकरण से ऊपर नहीं माना गया, जैसा कि पाणिनि ने दिखाया। आर्यभट्ट की गणितीय अवधारणा कहीं कहीं आपको बेहद जटिल लगेगी, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इसे छंदों में लिखा गया है और कविता की तरह से अभिव्यक्त किया गया है, गणित वो भी कविता की तरह। इसकी वजह यह है कि आर्यभट्ट का संबंध ज्ञान की मौखिक परंपरा से है और वो चाहते थे कि इसे आसानी से याद रखा जा सके। यही वजह है कि आर्यभट्ट ने संख्याओं के साथ ध्वनियां जोड़ी ताकि बड़ी बड़ी संख्याओं को शब्दों में याद रखा जा सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर क्रिस्टोफर मिनकांस्की कहते हैं, He is unique in the concision with which he expresses his text. लंबी चौड़ी गणनाओं को संक्षिप्त तरीके से कहने के मामले में आर्यभट्ट जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये उनके बारे में बड़ी रोचक बात है जो एक तरह से भारत की बौद्धिक परंपरा रही है। आर्यभट्ट तमाम तरह के गणितीय विचारों को कविता की तरह कह जाते हैं। दशमलव कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, त्रिभुज चतुर्भुज घन वृत्त कोण समकोण जैसी जटिल गणितीय धारणाओं को वे संस्कृत के छंदों में महज 32 कड़ियों में पिरो देते हैं। और क्या आपको लगता है कि आर्यभट्ट एक तरह से पौराणिक पात्र बन गए हैं? I would say that there's a great deal of pride in some of these early accomplishments. मैं कहूंगा कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और वैज्ञानिक एक तरह से महान गौरव का एहसास कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी विद्वानों ने उनकी अनदेखी की है, या कहें कि दुनिया भर में विज्ञान के इतिहास में भारतीयों ने जो योगदान दिया है उसे पश्चिमी विद्वानों ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। यूक्लिड और गणित की पश्चिमी परंपरा की तरह आर्यभट्ट ने परिणाम या सिद्धांत प्रतिपादित करने पर अधिक बल नहीं दिया है। परिणाम अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको अपने काम के बारे में बताने की जरूरत नहीं। इस तथ्यपरक व्यावहारिक दृष्टिकोण का मतलब है आर्यभट्ट की तार्किकता का अनुसरण करना अक्सर कठिन होता है, भले ही कोई उनके नतीजों से कितना ही संतुष्ट क्यों ना हो। न्यूयॉर्क के यूनियन कॉलेज में प्रोफेसर किम फ्लोफकर, यूक्लिड इज मोर लाइक मॉडर्न मैथमेटिक्स बिकॉज यूनान के यूक्लिड थोड़े ज्यादा आधुनिक गणितज्ञ लगते हैं, क्योंकि आधुनिक गणित जो आजकल हम करते हैं
वो मूल रूप से यूनानी ही है। सिद्धांत, समस्या, प्रमाण और ढांचे के हिसाब से देखें तो आधुनिक गणित यूनानी गणित जैसा ही है, लेकिन आर्यभट्ट के गणित के मामले में ऐसा नहीं है। आर्यभट्ट ने गणित के लिए अपने अलग ही नियम बनाए। महान वैज्ञानिक न्यूटन से आर्यभट्ट की तुलना करना रोचक होगा। न्यूटन ने अपनी बात बेहद सरल लैटिन भाषा में कही। लैटिन संस्कृत की तरह नहीं थी, जिसे भारतीय गणितज्ञों ने इस्तेमाल किया। न्यूटन ने अपने विचारों को समीकरणों के माध्यम से अभिव्यक्त किया, जिससे गणित की एक विश्वव्यापी भाषा विकसित हुई, जो संस्कृत की परंपरा के हिसाब से शायद कभी संभव नहीं होता। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण महज आतिशबाजी नहीं था, बल्कि उससे कहीं बढ़कर था, लेकिन ये आंशिक रूप से ही सफल हुआ। अंतरिक्ष में 5 दिन बिताने के बाद इससे संकेत मिलने बंद हो गए, लेकिन एक उपग्रह के तौर पर आर्यभट्ट की टिकाऊ सफलता ये थी कि इसने भारत की वैज्ञानिक सोच वाली धरोहर को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद की। इस उपग्रह ने गणितज्ञ के तौर पर आर्यभट्ट के योगदान की याद भी ताजा की। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है जब आर्यभट्ट के योगदान को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्यभट्ट ने न्यूटन से 1000 साल पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था। इस तरह की धारणाएं और भी हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन ये मिथ्या धारणाएं इस ओर भी इशारा करती हैं कि हमें प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के प्रति ऐतिहासिक तौर पर अधिक सतर्क और सटीक होने की आवश्यकता है। विज्ञान और गणित से जुड़ी जितनी भी पांडुलिपियां मिली हैं, उनमें से केवल 10% को ही प्रकाशित किया जा सका है। अधिकतर पांडुलिपियों का गंभीरता से अध्ययन आज तक नहीं हुआ है। Yeah.